अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो उस पर हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 6 का ये यूनिट नंबर 6 है, और इसका हम पार्ट ए पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, तो हम तीनों को कवर करेंगे। जो गाइज इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए। हमारा जो टॉपिक है आज का, आपको नज़र आ रही होगी हेडिंग, आई डोंट, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो नेगेटिव है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इधर एक मैंने हेडिंग के तौर पर लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर, आई डोंट, मैं नहीं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं, कुछ हम पहले सेंटेंसेस देखेंगे समझने के लिए, उसके बाद इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। पहले कुछ हम इसके एग्जांपल सेंटेंसेस देखेंगे कि इससे हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, फिर आगे मज़ीद डिटेल में भी इसको समझेंगे। तो डेफिनेशन है गाइस, द प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इज़ डोंट डजंट प्लस वर्ब, ठीक है। क्या मतलब है, जो प्रेजेंट सिंपल है वो नेगेटिव, मतलब जो इनकारिया होता है, इनकारिया जुमला, प्रेजेंट सिंपल का जो इनकारिया है, सवाल, इनकारिया, ठीक है, इज़ वो है डोंट, जिसमें डोंट लगता है, या डजंट, या जिसमें डजंट लगता है, जिसे हम इनकारिया कहते हैं, जिसे हम मना करते हैं, डोंट या डजंट करके मना करते हैं ना, जो ही हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। प्लस उसके बाद क्या हम यूज़ करते हैं, वर्ब, इसके साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, She doesn't drink coffee. अब इसमें वो कॉफ़ी नहीं पीती, she, वो, drink coffee, doesn't drink coffee, वो नहीं पीती, doesn't नहीं, drink पीती coffee, ठीक है। अभी देखेंगे doesn't लग रहा है, इधर हमने पढ़ा था doesn't या don't, doesn't, don't plus verb, इधर doesn't लगा, उसके साथ verb drink लगा है, drink जो verb है, ठीक है। सेकेंड क्या है, coffee, जैसे आपसे कोई सवाल, आपके पास कोई बंदा आया, उसने बोला कॉफ़ी, मतलब आप कॉफ़ी लेंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, नो, नहीं, नो थैंक्स, नहीं, शुक्रिया, आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। अब इधर देखें, डोंट के साथ ड्रिंक लग रहा है, इधर डजंट के साथ लगा था ड्रिंक, इधर डोंट के साथ ड्रिंक लग रहा है, इधर देखें डोंट और प्लस वर्ब, प्लस डोंट प्लस वर्ब ड्रिंक है। डजंट डोंट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। मैंने आपको जैसे कहा, अभी हम कुछ पहले एक सेंटेंसेस लेते हैं, हमें इससे क्या समझ में आता है। नंबर थर्ड पर है आई, मैं डोंट लाइक, पसंद नहीं करता माई जॉब, मेरा काम, मेरी जॉब मैं पसंद नहीं करता। इधर भी डोंट के साथ क्या लग रहा है, लाइक लग रहा है, इधर देखें डोंट प्लस वर्ब, वर्ब लग रहा है लाइक, ठीक है। इधर मैं समझाने के लिए प्लस भी लगा दूं, तो डोंट प्लस वर्ब, आई डोंट लाइक माई जॉब, मैं अपनी जॉब पसंद नहीं करता। उसके बाद फोर पर क्या है, ही डजंट लाइक हिज जॉब, वो नहीं पसंद करता लाइक हिज जॉब, अपनी जॉब या अपना काम, ठीक है। इधर देखें डजंट प्लस लाइक, इधर देखें डजंट लग रहा है, डजंट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। डजंट प्लस, इधर मैं समझाने के लिए आपको प्लस लगा रहा हूँ, डजंट प्लस वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, इसको आप वर्ब कह दें, और ये डू डजंट जो है इधर, जैसे हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, डू डोंट या डजंट, इसके साथ लगेगा वर्ब, ठीक है। इधर जो यूज़ हो रहा है, डजंट ड्रिंक डोंट लाइक, डजंट लाइक, ठीक है। अब इधर है गाइस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये भी पार्ट ए ही है, कंटिन्यू है, तो मैं लिख देता हूँ पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए। अभी देखें इधर है पॉजिटिव, ये मैंने कुछ टेबल है, इधर मैं आपको समझाऊंगा डोंट डजंट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, किसके साथ यूज़ होगा। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव में, ठीक है, इधर डोंट और डजंट नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव मतलब इनकारी है, इधर डोंट भी लगेगा और डजेंट भी लगेगा, ठीक है। आपको हाईलाइटेड यहाँ नज़र आ रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है और मैंने बॉक्स भी बना दिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें है देखें, जैसे आई के साथ लग रहा है वर्क, बी के साथ लाइक, यू के साथ डू, दे के साथ हैव, ठीक है। इधर ही के साथ वर्क्स, इधर वर्क है तो वर्क्स हो जाएगा, ही के साथ एस लगता है, शी के साथ भी एस, लाइक्स, इधर लाइक था, इधर शी लाइक्स, एस लग गया। इधर इट डू, इधर था दे डू दे हैव, इधर है इट डज, डू की जगह डज, ई एस लग गया, और इधर हैव की जगह हैज लग गया, इट हैज, ठीक है। ई शीट के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं।
ये हम कहाँ कहाँ करते हैं गाइज, मैंने पिछले ग्रामर लेसन में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको देखें जो हमारी सीरीज़ है यूनिट वाइज, यूनिट 1 to 5 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और यूनिट नंबर 6 आज हम पढ़ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एस ई एस कहाँ लगाते हैं। तो ये पॉजिटिव टेबल था, अब नेगेटिव में हम आ जाते हैं। इधर है आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, वो पसंद नहीं करती, यू डोंट लाइक तुम पसंद नहीं करते, वी डोंट वर्क हम काम नहीं करते, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है। इधर देखिए डोंट है ये कॉन्ट्रैक्शन में है डोंट, और इधर पूरा अगर हम लिखना चाहें तो डू नॉट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट कॉन्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्शन भी गाइज मैंने पढ़ा है पिछले लेसन में, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। डोंट का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों का मैं कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा चुका हूँ। इधर देखें ही के साथ डजेंट डू, ही डजेंट डू, वो नहीं करती, वो नहीं करता, शी डजेंट हैव, उसके पास नहीं है, या शी डजेंट डू, वो नहीं करती, इट डजेंट हैव, ये नहीं है, ठीक है। इधर देखे डजेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्शन है डजेंट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। और इधर डज नॉट, ये अलग अलग लिखा है हमने डज नॉट, और ये डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं ये डजेंट है, इसको डजेंट पढ़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में बोली जाती है, ठीक है। पूरा जो हम जब राइटिंग लिखते हैं कोई फॉर्मल कोई भी राइटिंग, तो उसमें पूरा लिखते हैं डज नॉट डू नॉट, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता। इधर देखें डोंट और डू नॉट, इधर डजेंट डज नॉट, इसके साथ क्या लग रहा है, आई डोंट वर्क, वर्ब लग रहा है, देखें आई डोंट वर्क, यू डोंट लाइक, वी डू नॉट डू, ठीक है, इधर सबके साथ वर्ब लग रहा है, ही डजेंट लाइक, शी डज नॉट हैव, इट डजेंट वर्क, ठीक है। जैसे हमने इधर पढ़ा है ना डू और डोंट और डजेंट प्लस वर्ब, इधर भी यही है, ठीक है, डोंट और डजेंट के साथ वर्ब लगेगा, जो ये वर्ब है हमारे सारे वर्ब हैं, ठीक है, सारे हमारे वर्ब हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं गाइस, सेंटेंसेस में क्या लिखा है। नंबर वन है आई ड्राई, आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ बट, लेकिन आई डोंट ड्रिंक टी, मैं नहीं पीता चाय, ठीक है। इधर देखें ड्रिंक ये हमारा वर्ब है, जो वर्ब है ना वर्क लाइक डू हैव सब वर्ब है हमारी, ये वर्ब है, ठीक है। डोंट डजेंट प्लस वर्ब हम पढ़ चुके हैं, ये लगना है, ठीक है। आई के साथ ड्रिंक लग रहा है, इधर आई के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, वर्ब लगेगा, लेकिन एस ई एस का हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लेसन देख लीजिएगा एस ई एस कहाँ लगता है, ठीक है। ही शी इट के साथ एस और ई एस लगता है, और पीछे आप लेसन देखेंगे जो मेरी वीडियो है तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। इधर आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ बट, लेकिन आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता। सेकेंड है सलमान ड्रिंक्स टी, सलमान पीता है चाय। इधर देखें सलमान के साथ ड्रिंक्स लग रहा है, सलमान ही है ना, लड़का है तो ही है ये, इधर देखें एस का इजाफा हो रहा है, ड्रिंक की जगह ड्रिंक्स हो गया, ठीक है। सलमान ड्रिंक्स टी, सलमान चाय पीता है बट, लेकिन शी डजेंट, इधर आना था ही गाइस, तो क्या सलमान की बात हो रही है, बट ही वो डजेंट ड्रिंक, वो नहीं पीता कॉफ़ी, ही डजेंट ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। देखें डजेंट के साथ ड्रिंक, डोंट के साथ ड्रिंक, ठीक है, डजेंट डोंट के बाद वर्ब लगना है, तो वर्ब ऑलरेडी आ गया, मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर भी ड्रिंक और कॉफ़ी है, ठीक है, इधर मैंने कॉफ़ी पे भी इसको करना था। थर्ड पर है यू डोंट वर्क, तुम काम नहीं करते, वेरी हार्ड, मुश्किल, ज़्यादा, डोंट के बाद देखें वर्ब लग रहा है, ठीक है, डोंट प्लस वर्ब, वर्क जो है वर्ब है। दे द वेदर इज़ यूजुअली नाइस, जो मौसम है वो आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर अच्छा है। इट doesn't rain very often, लेकिन sorry, it doesn't rain very often, बारिश अक्सर नहीं होती है। weather आमतौर पर अच्छा होता है, बारिश नहीं होती है। it doesn't rain, doesn't के बाद देखिए rain है, verb है, ठीक है, very often, बस औकात बारिश नहीं होती है। सलमान and और शाहरुख don't know, नहीं जानते, many people, बहुत से लोगों को नहीं जानते। don't लग गया, don't के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आ गया नो, ठीक है। तो ये गाइस ये पार्ट वन था हमारा, अगर आप लोगों को पार्ट वन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।